अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः नारायण। 11 जुलाई सन 2012 और बुधवार का दिन है। राज का अद्भुत मंत्र है, संपूर्ण दिन सकुन और शांति के बीच ओम सौम्याय नमः, ओम सौम्याय नमः। इस मंत्र का जाप करिएगा, बहुत शुभ रहेगा। और बात करते हैं बुधवार के पंचांग की। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी और विक्रम संवत 2069 पातकाली नक्षत्र रेवती नक्षत्र चंद्रमा मीन राशि में। और बुधवार का राहु काल दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे तक। और राहु काल दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित नहीं माना गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। नमो नारायण। अब मैं आपको नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में ले चलता हूँ। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करते हैं बुधवार की राशिफल की। नमो नारायण। मेष राशि गोचर थोड़ा सा सावधानी का है आज। अनावश्यक भागदौड़ और परेशानी बढ़ेगी। विशेष कार्य योजनाओं को स्थगित करना उचित होगा। धनहानि व्यर्थ का वाद विवाद और कानूनी झमेले उत्पन्न हो सकते हैं। आज गोचर थोड़ा सा ठीक नहीं। और आज के दिन बहुत जरूरी सरदाना साबुत मसूर लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान दीजिए, कष्ट नहीं आएगा। क्या करें किसी के किए गए वादे को पूरा करें, क्या ना करें। आज विवादित सौदों में पूंजी निवेश ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों विशेष कार्य को संपन्न करने का अवसर मिलेगा और घर परिवार का सुख होगा। नौकरी में उन्नति का अवसर, यात्रा में लाभ, परिवार का पूर्ण सुख, प्यार, पैसा और मान और सम्मान सारे आपके आज आपके लिए शुभ है कि गोचर आपके साथ खड़ा है। क्या करें पारिवारिक वाद विवाद को सुलझाने का प्रयास करें, क्या ना करें। आज बहुत जरूरी वाहन में पूंजी निवेश ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमनन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि जिस तरह के घर योगायोग सुफलों की प्राप्ति होगी, व्यापारिक चिंताएं कम होगी, राजनीतिक और व्यवसायिक क्षेत्र में उन्नति और लाभ के अवसर मिलेंगे। आज माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद, सहयोग और आय के साधन बढ़ेंगे। क्या करें हिम्मत और साहस से कार्य में जुटे रहे, क्या ना करें। अपनों से सहयोग का इनकार न करें, अपनों को असहयोग से इनकार न करें, उनका सहयोग जरूर करें। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों धीरे 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 हालात और प्रश्न में सुधार होगा। सभा और सोसाइटी में जाने का अवसर मिलेगा और वहां अपनी बात रखने में आप सक्षम होंगे। और आज आपका ध्यान शिक्षा की ओर, ऑकल्टन साइंस की ओर, अध्यात्म की ओर अधिक रहेगा और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। संपूर्ण कारोबारी समस्याओं का निवारण, तकनीकी क्षेत्र में सफलता और यात्रा में भी लाभ मिलेगा। क्या करें आय और व्यय में संतुलन बनाने का प्रयास करें, क्या ना करें। बुजुर्गों की बात को अनसुना ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों गोचर ठीक नहीं कह रहा है, मानसिक तनाव बढ़ेगा, धन हानि है। ईर्ष्यावश शत्रु आपके कार्य में रोड़े अटकाने का प्रयास करेगा। कार्य व्यवसाय में सावधानी गोपनीयता बरतना बहुत जरूरी। गोचर सुबह से लेकर शाम 3:30 बजे तक सफलता का संकेत नहीं दे रहा है। आज आपको भगवान सूर्य की उपासना और भगवान शिव की उपासना करना बहुत शुभ रहेगा। भगवान शिव के शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ाइए। आज कंजकों को अपने हाथ से भोजन कराइए, कष्ट कम आएगा। क्या करें कोई भी कार्य वार्ता के द्वारा संपन्न करने का प्रयास करें, क्या ना करें। जीवन साथी की उपेक्षा न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों उच्च अधिकारी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और साझेदारी कार्य में विशेष लाभ। सुखमय वैवाहिक जीवन और कारोबार में उन्नति के अवसर और कार्य में रुचि और दिन सुकून और शांति से बीत जाएगा। क्या करें थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें, क्या न करें। संभव हो तो कारोबारी यात्राएं आज न करें तो बहुत ठीक रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों पुराने रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। शुभ कार्य की योजना सफल होगी। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। माता पिता का पूर्ण सहयोग, आशीर्वाद और आपका साहस बढ़ेगा। आज दिन क्या करें तो आप खरीदारी कर सकते हैं, चाहे मशीनरी हो, चाहे वाहन हो, चाहे कुछ भी हो, खरीदारी कर सकते हैं। क्या ना करें किसी को उधार धन न दे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों कारोबार की स्थिति मध्यम रहेगी, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। वैसे व्यापार में सफलता मिलेगी, किए गए कार्य सफल भी होंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, मित्रों के साथ बैठने का अवसर भी मिलेगा और शिक्षा और दीक्षा पर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो ठीक रहेगा। संतान की शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वैसे जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। हाँ एक बात बहुत जरूरी, वो है खान पान के प्रति थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्या करें। राजनीतिक और सामाजिक तालमेल बनाकर रखें, क्या ना करें। जोखिम वाले कार्य में पूंजी निवेश न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि।
धनराशि वालों, सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे रही, महत्वपूर्ण कार्य में बाधा और रुकावटें हैं, अपनों का असहयोग है, बंटवारे को लेकर भाई बंधुओं से कलह, परिवार में तनाव, धन की कमी और शारीरिक और मानसिक तनाव, ये आज गोचर सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा सा ठीक नहीं है। आज माँ भगवती को मनाना बहुत जरूरी, घी का दीपक जलाई और सिद्ध कुंजी का स्त्रोत के पाठ करें, आज माँ भगवती को चुनी ओढ़ाना, लाल चुनी की भेंट करना बहुत शुभ रहेगा। विशेष क्या करें, यात्राओं को संपन्न कर लीजिए ठीक रहेगा, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद। क्या ना करें, स्वार्थ और ईर्ष्यावश कोई कार्य न करें तो बहुत ठीक रहेगा। नमोनारायण। और बात करते हैं मकर राशि, मकर राशि वालों, कार्य और व्यवसाय संबंधी संपूर्ण योजनाओं में सफलता और धन लाभ के अवसर मिलेंगे। सास और पराक्रम में वृद्धि होगी। आज भाइयों का, छोटे भाई बहनों का बड़ा सहयोग मिलेगा और कर्मचारी भी आज आपको सपोर्ट करेंगे। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। छोटी मोटी कारोबारी यात्राएं आपके लिए बहुत शुभ और बहुत कल्याणकारी रहेगी। क्या करें, पारिवारिक सहयोग से कार्य पूरा करें। क्या ना करें, एक बात का ध्यान रखें, नशे में वाहन न चलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, थोड़ा सा कार्यभार बढ़ेगा लेकिन इस कार्यभार से लाभ भी होगा। आज अनचाहे मेहमानों के आगमन से थोड़ी सी परेशानी है, खर्चा बढ़ सकता है, कार्य में थोड़ी सी अरुचि और खान पान के प्रति नियमित नहीं रहे तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति गोल हो सकता है, लेकिन इन सारी परेशानियों के बावजूद गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा और अकस्मात कहीं ना कहीं से रुका हुआ धन भी मिलेगा। क्या करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें। क्या ना करें, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, मीन राशि वालों, ग्रह गोचर की स्थिति शुभ और अनुकूल, बाधा और परेशानियों से राहत महसूस करेंगे और घर और परिवार का सुख और सहयोग बढ़ेगा। दाम्पत्य सुख में सुधार होगा, इच्छित वस्तु का लाभ मिलेगा, धन वृद्धि से मन प्रसन्न रहेगा और दिन शकुन और शांति से बीत जाएगा। क्या करें, व्यवसाय विस्तार के लिए कार्य करें। क्या ना करें, किसी का कार्य बिगाड़ने का प्रयास न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमनन। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। अब मैं आपको ले चलता हूं आज के उपाय। दुख और दरिद्रता, समस्याएं, परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ी तो गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र या सर्वार्थ सिद्ध योग, बेहरे की जड़ को लाकर गंगा जल से पवित्र कर दे और श्रद्धापूर्वक ओम ऐं क्लीं सो इस मंत्र का जाप करते हुए पवित्र कर ले। तत्पश्चात पूजन करें, पंचोपचार पूजन, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, हरे कपड़े में लपेट कर अपने पूजा स्थान या अपनी तिजोरी में रख दें, अवश्य धन वृद्धि होगी। ये बहुत सुंदर टोटका है। नमनन। और बात करते हैं आज के नुस्खा। यदि शुगर है तो इसके इलाज के लिए जामुन की गुठली की गिरी को पीस कर रख ले, 1 ग्राम की मात्रा में 3 या 4 बार पानी के साथ नियमित सेवन करिए, कुछ ही दिनों में शुगर पर कंट्रोल हो जाएगा। और शुगर वाले व्यक्ति को एक बात ध्यान, वो सुबह में कम से कम आधा घंटा पैदल जरूर चले, उससे उसको और अधिक लाभ होगा। नमोनारायण। चलिए दाती गुरु मंत्र की बात करें। हमारे संत महात्मा सत्य धर्म और प्रेम का संदेश देते, इसका मतलब वो कायर नहीं है। सनातन धर्म कायरता का प्रतीक नहीं है, सनातन धर्म का आंचल बहुत बहुत बहुत, बहुत बड़ा है। आज जिसने भी इस उच्चतम शिखर पर विराजमान समाज में इज्जत और मान और सम्मान पाते हैं, उन्हें सम्मान देने वाले सनातन धर्म के लोग हैं। सनातन धर्म हमेशा हिंसा में विश्वास नहीं करता, अहिंसा में विश्वास करता है। सनातन धर्म की अपनी एक परंपरा है। सनातन धर्म के लोग अपने अवगुणों को देखते हुए दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते, ये परंपरा रही है। सनातन धर्म की अद्भुत परंपरा है दूसरों को मान लेना, और उसी परंपरा का पालन हमारे ऋषिजन, हमारे संतजन, हमारे मनुष्य आज तक करते आए। राष्ट्रवासियों, कुछ बात समझो, जिसको मन में आता है, जैसा मन में आता है उंगली उठाता है, लेकिन सनातन धर्म के लोग कुछ नहीं कहते, वो हंस के रह जाते हैं, क्योंकि अच्छी तरह जानते हैं कि सत्य हमेशा अडिग रहता है। सूर्य के आगे कितना भी पर्दा कर दो, अल्टीमेटली सूर्य बाहर आ जाएगा, कितने देर पर्दा करो। सत्य सनातन धर्म ये कोई पूजा पाठ वाला मान, ये हमारी जीवन पद्धति, जीवन शैली है हमारी। सनातन धर्म हमारी जीवन शैली, और हमारी जीवन शैली में क्षमा, धर्म,
प्रेम करुणा दया कूट कूट कर भरा हुआ है। और भाई पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती तो व्यक्ति भी के स्वभाव भी बराबर गलती सभी से होती, सनातन धर्म वालों से भी औरों से भी होती है। सनातन धर्म को जल्दी उछाला जाता है, औरों पर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता है। ये अद्भुत विज्ञान जो हमारा ज्योतिष विज्ञान, इसको हम लेके आपके सामने आते हैं प्रयास। अब हमारे पास शोध के साधन नहीं है, लेकिन जो पुराने ऋषि मुनियों ने हमसे कहा उस पर रात दिन बैठकर हमने काम किया, जो परिणाम सामने आए हम आपके सामने रखे। मैं आपसे कहा ना कि राहु मंगल का जब जब संबंध होता है अग्निकारी घटनाएं बढ़ती है, दुर्घटनाएं बढ़ती है, प्राकृतिक प्रकोप बढ़ते हैं, हवाई और रेल दुर्घटनाएं बढ़ी, भूकंप आए। आप शोध करके देखिए ना, इसमें जरूरी थोड़ी का हमारी बात को मान लीजिए, लेकिन कहीं पर बैठकर यह टिप्पणी करना कि नहीं ये ढकोसला बंदी ये पोंगा पंडिताई, तो ऐसा नहीं है रे भाई, ऐसा नहीं है। हम लोग नहीं बोलते, और तर्क तो वो करता ना जिसके पास साधन नहीं हो, तर्क वो करता जो असत्य हो। ये सनातन संस्कृति सत्य थी, सत्य है और सत्य रहेगी। और विश्वास करना, जब तुम पैदा हुए थे तब भी इसकी आवश्यकता थी, तुम बड़े हुए तब इनकी, और तुम संसार से विदा हो गए तब भी इस विदा की आवश्यकता पड़ेगी। शायद आपको नहीं मालूम है, नामकरण संस्कार भी हम ही लोग करते हैं, जन्म संस्कार भी हम ही लोग करते हैं, आपकी शादी में भी हम ही लोगों की आवश्यकता पड़ती है, और अंतिम मोक्ष के समय वहाँ भी हम लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। ये विषय था, है और रहेगा। इस पे तर्क नहीं, इस पे हम मैं कम से कम मैं तर्क करना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, कब तक अंगुली उठाते रहोगे इस पवित्र राष्ट्र के लिए? ये हमारी पवित्र राष्ट्र की जीवन शैली परंपरा है। काम आधुनिकता के चादर ओढ़कर अपने आप को बर्बाद करने चल रहे हैं, वहाँ क्या है जो ये पश्चिमी देश अंगुली उठाते कि भारत ये करता है? अरे वहां भी लोग करते हैं, वहां पता नहीं क्या क्या करते हैं, आपको पता ही नहीं है। जितना आडंबर जितना अंधविश्वास बाहर में है उतना भारत में नहीं। भारत तो बहुत ही वैज्ञानिक देश है, हमारे 18-18 मनुष्यों ने सिद्धांत लिखे हैं, और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम आपके सामने आते हैं। तभी हम तो आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं भाई दावा नहीं करते, सेकेंड ओपिनियन ले लेना। लेकिन सनातन संस्कृति अद्भुत जीवन शैली इसको अपना के देखिए, आपका जीवन खुशियां, और ये हमारी ब्राह्मण समाज की अद्भुत देन है। जिसको मनाता है ब्राह्मण समाज पे उंगली उठा देता है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, चाहे धर्म हो चाहे राजनीति, ब्राह्मण समाज के बिना हमेशा अधूरी रही है। और ब्राह्मण समाज जो ब्रह्म जानते ब्राह्मण, ब्राह्मण समाज ने हमेशा राष्ट्र की प्रगति की ओर साथ दिया है। इन सिद्धांतों को अपनाओ, जीवन खुशियों से भर जाएगा। बाकी रही गलतियों की, तो भाई पांचों उंगलियों बरोबर नहीं, हम में से कभी ना कभी गलती हो जाती है, और मैं तो सबसे पहले कहता हूँ गलती हो सकती है, माफ करना। और कोई बात अच्छी लगती है तो स्वीकार करो। सनातन संस्कृति तो सलाम करते हुए पुनः कहना चाहता हूँ, इस सनातन संस्कृति का मान करो, आपका कल्याण होगा। बात करते हैं आज के सुझाव की। आज का सुझाव कि आज बुधवार का दिन है, और यदि कारोबार में परेशानी आ रही हो, लेन देन के मसले अटक रहे हो, या परिवार में सुख शांति नहीं हो, तो 12 के 12 राशियों के लोग श्रद्धा अनुसार या साबुत मूंग या 1.25 किलो साबुत मूंग हरे कपड़े में बांधकर 7 बार अपने पर उसार कर 11.25 रुपये के साथ किन्नर को दान में दे दीजिएगा, संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिल जाएगा। आज इतना ही, कल के लिए यदि बिना वजह लोग आपको परेशान करते हो या आपके संबंध खराब हो जाते हो तो क्या करें उपाय? दमा की शिकायत तो क्या है नुस्खा? साथ ही गुरुवार के दिन के अद्भुत मंत्र, अद्भुत सुझाव और अद्भुत दाती गुरु मंत्र पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन आज इतना ही, नमो नारायण।